है, जैसे हमारे पास इपिग्लॉटिस ई से स्टार्ट होता है, ठीक। इपिग्लॉटिस जो हमारे पास है वो ई से स्टार्ट होता है। अगर आप ई से इलास्टिक लिख ले, इलास्टिक भी ई से स्टार्ट होता है और इपिग्लॉटिस भी ई से स्टार्ट होता है, तो हमारे पास सिंपली आ जाता है कि इलास्टिक कार्टिलेज इज प्रेजेंट, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन एपिग्लॉटिस, ठीक। फिर ये एक सिंपल ट्रिक है जिसकी जिसकी वजह से हम याद रख सकते हैं कि एपिग्लॉटिस जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।